अपने बेटे की चुनावी नैया पार लगाने में जुटे फिल्म अभिनेता और पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार सरकार से अब बिहार की जनता उब चुकी है। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मेरे अच्छे मित्र हैं, मैंने कभी उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोला, पर इस बार उन्हें जनता को बताना पड़ेगा कि बिहार इतना पिछड़ा क्यों है और 15 सालों में कोई नया उद्योग क्यों नहीं लग पाया है। नीतीश कुमार इस बार बुरी तरह से हारने वाले हैं क्योंकि जनता में उनके प्रति बड़ा आक्रोश है। शत्रुघ्न सिन्हा ने केंद्र सरकार पर भी अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि बिहार में सारे बड़े मंत्रालय बीजेपी के पास है और पुल का उद्घाटन करते ही वह बह जाता है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इस बार नीतीश और बीजेपी को ईवीएम भी नहीं बचा सकती है। साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा ने तेजस्वी की तारीफ करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव में बिहार का भविष्य नजर आ रहा है, वो बिहार के भविष्य हैं और 10 नवंबर को तेजस्वी बिहार का वर्तमान बन जाएंगे। तेजस्वी यादव बहुत बड़े बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने पूरा होमवर्क किया है कि 10 लाख नौकरियों के पैसे कहां से आएंगे। शत्रुघ्न ने कहा कि तेजस्वी के नौकरी देने के वादे पर बीजेपी पहले कह रही थी कि पैसा कहां से आएगा, अब वो खुद बताए कि 19 लाख रोजगार के लिए पैसा कहां से आएगा। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव नया चेहरा बनकर उभरे हैं, प्रधानमंत्री की सभाओं में कम लोग नजर आ रहे हैं लेकिन तेजस्वी यादव की सभाओं में भीड़ उमड़ रही है। यहां आकर वो चीन और 3 तलाक की चर्चा कर रहे हैं जबकि उन्हें बेरोजगारी और किसानों की समस्या पर बात करनी चाहिए। अपने बेटे की चुनावी नैया पार लगाने में जुटे शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि लव सिन्हा बाहरी नहीं बल्कि बिहारी है। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा पटना की बाकीपुर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है। एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि लव सिन्हा को बाहरी बताने वाले गलत आकलन कर रहे हैं। लव सिन्हा एक पढ़ा लिखा, समझदार और स्मार्ट प्रत्याशी है। वो 2009 से हमारे लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और राजनीति की अच्छी खासी समझ रखते हैं और क्षेत्र से भी वाकिफ है। बिहार की आन बान और शान को बनाए रखने वाले बिहारी बाबू के सुपुत्र हैं। शत्रुघ्न अपने बेटे के बड़े अंतर से जीत की उम्मीद लगाए हुए हैं लेकिन उसके मंत्री बनने का फैसला तेजस्वी यादव पर छोड़ रहे हैं। तेजस्वी के साथ चिराग पासवान की भी शत्रुघ्न सिन्हा ने जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के दो युवाओं से डर गए हैं, एक तेजस्वी यादव से और दूसरे चिराग पासवान से। चिराग पासवान बहुत ही काबिल और समझदार युवा है। चिराग ने बहुत सोच समझ कर एनडीए से बाहर जाने का फैसला लिया है क्योंकि चिराग पासवान ने दीवार पर नीतीश कुमार की हार की लिखी इबारत को पढ़ लिया है। उन्होंने कहा कि चिराग के बारे में बीजेपी का वोट कटवा कहना गलत है। अभी कुछ दिन पहले तक आप रामविलास पासवान की तारीफ कर रहे थे, अब उनके बेटे चिराग को वोट कटवा कहना ठीक नहीं है। राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि राहुल एक काबिल नेता है, उनकी अध्यक्षता में पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव जीता था, वो बहुत समझदार नेता है, ये बीजेपी वाले उन्हें पप्पू कहते हैं। राहुल एकलौते नेता है जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि कोरोना संक्रमण से देश को खतरा है, तब प्रधानमंत्री हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जल्दी राहुल गांधी को लेकर अच्छी खबर आप लोगों को मिलेगी, थोड़ा इंतजार कीजिए। शत्रुघ्न ने दोबारा से बीजेपी में जाने के सवाल से इनकार करते हुए कहा कि अब कांग्रेस में हूं, यही हमारी पार्टी है। कोरोना के बीच बिहार चुनाव कराए जाने पर शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ था कि पीएम मोदी ने बिहार की जनता को चुनाव में झोंक दिया है। एक तरफ बिहार में विधानसभा चुनाव कराते हैं लेकिन गुजरात में कोरोना के चलते पंचायत चुनाव को टाल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इसे साफ जाहिर है कि चुनाव आयोग किसके इशारे पर काम कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से आप हमें मदद भेज सकते हैं। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।